क्या यूनिवर्सिटी के टीचर के बुरे बर्ताव से स्टूडेंट्स हैं परेशान? क्या यूनिवर्सिटी के स्ट्रिक्ट रूल्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टॉर्चर? क्यों उठ रहे हैं यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन को लेके इतने सवाल? यूनिवर्सिटी में सीट बुकिंग के नाम पर लिया जाने वाला पैसा क्या बाद में कैंसिल करवाने पर नहीं होता है रिफंड? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हिमांशु आ गया हूं एक और कॉलेज के रिव्यू वीडियो को लेके। तो आज हम बात करेंगे इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली के बारे में, जानेंगे यूनिवर्सिटी को लेके उड़ रही अफवाहों का सच। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम करेंगे कॉलेज का कैंपस टूर। यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि 2010 में एस्टैब्लिश हुई थी। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की लोकेशन की तो यह यूनिवर्सिटी दिल्ली से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। यह यूनिवर्सिटी NH-24 लखनऊ बरेली हाईवे पर लोकेटेड है। कॉलेज के पास लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, जैसे ऑटो और बस से आप ट्रेवल कर सकते हो। बाकी यूनिवर्सिटी अपना भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉलेज के स्टूडेंट्स को। अब नजर डालेंगे इस यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन पर। तो ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट UGC एंड AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है और NAC से यूनिवर्सिटी को बी ग्रेड भी मिला हुआ है। अब एक झलक डालेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स करवाती है और उनकी क्या क्या फीस है। तो यहां से आप अंडर और पोस्ट दोनों ग्रेजुएशन कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में BCA, BBA, MBA, BJMC, BA, BEd, BCom, BSc, PhD, D-Pharma जैसे काफी सारे कोर्सेज कर सकते हो। अगर बात करूं मैं इन सारे कोर्सेज की फीस की तो 30,000 सालाना से लेके 1,35,000 सालाना तक कोर्सेज के हिसाब से फीस पड़ जाती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब नजर डालेंगे कि यहां का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ डायरेक्ट बेसिस पर ही एडमिशन होते हैं, लेकिन हर कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी है। कुछ कोर्सेज के लिए 12th में मिनिमम 50% होना कंपलसरी है, तो कुछ के लिए 60% होना कंपलसरी है। बाकी यूनिवर्सिटी मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की माने तो 90% अबव होने पर ये लोग 100% तक ट्यूशन फीस माफ कर देते हैं। अब हम अपना रुख करेंगे इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रा पे। तो ये यूनिवर्सिटी काफी सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटी में दो वेल मेंटेन लाइब्रेरी हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स बुक के अलावा मैगजीन्स और नॉवल भी पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज दोनों हॉस्टल अवेलेबल हैं। गर्ल्स हॉस्टल को कावेरी, गोदावरी, भागीरथी एंड बॉयज हॉस्टल को हिमालया, शिवालिक, हिमगिरी, नीलगिरी के नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ पर दो फ्लोर का एक मैस है जिसका नाम अन्नपूर्णा है। यहाँ पर AC, non-AC हर टाइप के रूम और पेरेंट्स के लिए गेस्ट रूम भी अवेलेबल है। अगर हम स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी में दो काफी बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और खो खो जैसे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। बैडमिंटन और लॉन टेनिस की भी इंडोर फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी जिम और वाईफाई फैसिलिटीज भी है यूनिवर्सिटी में। यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसी से कवर किया हुआ है। तो किसी भी अर्जेंट मेडिकल इशू में इससे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है। बाकी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज के हिसाब से सभी लैब्स और ऑडिटोरियम बने हुए हैं। अब हम नजर डालेंगे यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट पर। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की माने 80% स्टूडेंट की प्लेसमेंट हो जाती है। वहीं हाईएस्ट पैकेज 9 लाख रुपए, लोएस्ट 3 लाख रुपए और एवरेज 5 लाख के आसपास का दिखाया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करती है स्टूडेंट्स को।
TCL, ICICI बैंक, बायजूस, मुथूट फाइनेंस, TCL जैसी बड़ी कंपनीज इस यूनिवर्सिटीज को विजिट करती हैं फॉर हायरिंग द स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट की, तो यहाँ पे काफी सारे फेस्ट करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। एजुकेशनल टूर, कल्चरल एक्टिविटीज जैसे काफी सारे फंक्शंस होते रहते हैं। हाडी शंधु, दर्शन रावत जैसे बड़े सिंगर्स यहाँ परफॉर्म करने आते हैं। तो यार ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इनवर्टिस यूनिवर्सिटी की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो, कॉलेज 18 को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।